ग्वालियर के पुलिस और बैंगलोर क्राइम ब्रांच ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में चार लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से पिस्टल, कट्टा और दर्जन भर से ज्यादा जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। इन बदमाशों ने दो दिन पहले बैंगलोर के कोहिट गेल्दी थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जिस दौरान बदमाशों ने वहां के दो कर्मचारियों को गोली मार दी थी। इसके बाद बदमाश वहां से भागने लगे, जिसमें एक बदमाश का कट्टा वहीं गिर गया था। वहां गिरे कट्टे को उठा के दुकान के कर्मचारी ने उसी कट्टे से एक बदमाश पर फायरिंग कर दी, जो उसके गले में लगी। गोली लगने के बाद बावजूद आरोपी वहां से किसी तरह भाग निकले। पहले ट्रक, फिर कर्नाटक एक्सप्रेस से ग्वालियर के लिए सवार हो गए, लेकिन बैंगलोर पुलिस इन बदमाशों के पीछे लगी हुई थी। इसी बीच ग्वालियर पुलिस को भी इन बदमाशों के ट्रेन से वहां पहुंचने की सूचना मिल चुकी थी। पुलिस ने जाल बिछाकर ट्रेन और स्टेशन के बाहर से इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जिस बदमाश को गले में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी शियाज के एम ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। बेंगलुरु में 14 तारीख को एक घटना हुआ था, लूट की अटेम्प्ट हुआ था वहाँ पे एक ज्वेलरी की दुकान में। उसमें अपने बगल वाले जिले के 5 बदमाश उधर गए और ये वारदात को अंजाम दिया, बट वो वारदात में पूरा सफलता नहीं मिला। वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया, उनमें से एक को गोली लगा और वो वहाँ से भागने का स्थिति बन गया। फिर हमारे पास बेंगलुरु पुलिस की रिक्वेस्ट आ गया और हमने जॉइंट ऑपरेशन करके कल रात पूरी रात इसमें लगा रहा और उनको ट्रेन में ढूंढ ढूंढ के हमने निकाल दिया। 5 में से 4 को गिरफ्तार करने में सफलता मिला है। खबर ग्वालियर जिले से है, जहां शहर की पड़ाव पुलिस ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन क्षेत्र से मावे से भरी एक लोडिंग जीप को बरामद किया है। बता दें कि इस जीप में लगभग 16 क्विंटल से ज्यादा मावा भरा हुआ था, जो भिंड के गोरमी इलाके से लाया गया था। वहीं गाड़ी के साथ पकड़े गए हरपाल सिंह ने गोरमी और अटेर के कुछ लोगों के नाम पुलिस को बताए हैं, जिनका यह मावा बताया गया है। पुलिस ने फिलहाल खाद्य विभाग को मामले की जानकारी दे दी है। खाद्य विभाग ने इस मामले में मावे के सभी सैंपल कलेक्ट किए हैं और उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार होली जैसे महापर्व पर मावे की डिमांड बेहद बढ़ जाती है, इसी के चलते यह मावा सड़क मार्ग से भोपाल भेजा जा रहा था। इसकी सूचना किसी तरह पुलिस को मिल गई और पुलिस ने इस मावे को बरामद कर लिया। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। ये हरपाल नरवरिया है जिसकी पिकअप गाड़ी है, ये मावा लेके आ रहा था। करीब 16 क्विंटल मावा है इसमें और अब फूड वाले जो है कर्मचारी अधिकारी लोग हैं वो उसकी चेकिंग कर रहे हैं। कहाँ से इसको पकड़ा है, क्या जानकारी मिली थी? ये रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है, क्योंकि त्योहारों का दिन आ रहा है तो आवागमन ज़्यादा हो रहा है मावा का या फिर अन्य दुग्ध वाले पदार्थों का, तो उसमें सूचना पड़ से इसको पकड़ा गया है। ये फूड वाले अधिकारी हैं, वो इस पर कार्रवाई करेंगे। कितने अभी देखने में क्या बड़ा कुछ मिलावट है यार? ये अभी चेकिंग होगी, उसके उपरांत ही पता चलेगा कि क्या है उसमें। भिंड से जो मावा आ रहा है वो वाया स्टेशन के बाहर शहर के लिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इसके सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ स्टेशन पर हम लोगों ने एक व्यक्ति तैनात किया और भिंड रोड पर भी हम लोग खड़े थे महाराजपुरा थाने के करीब। ये एक लड़का है प्रतापपुरा का है, हरपाल सिंह, जो गाड़ी से मावा ले आया परिवहन करने के लिए। यहाँ स्टेशन पर जैसे ही उसने मावा उतारा तो हमने उसको पकड़ लिया था। क्या पता लगा है किस तरह जो मावा तैयार करते थे, कहाँ तैयार करते थे और कहाँ खपा? मावा भिंड के विभिन्न गांव से आया है, प्रतापपुरा, बलारपुरा, जो भी अभी नाम सामने नहीं आए किन किन व्यक्तियों के मावा है। अभी इस पर सैंपलिंग की जा रही है। दस्तावेज दे वो जिस आधार पर प्रस्तुत करता है वो मालिकों के नाम आधार पर भिंड को भी सूचना भेजी जाएगी कार्रवाई की।